बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड जिया चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। कढ़ी के लिए हमने सबसे पहले यहाँ जग लिया है, उसमें मैंने दो बड़ी प्याज इस तरीके से मोटी मोटी कटी हुई वो डाल दूँगी जग में। दही है एक प्याली वो डाला, और एक कप बेसन ये डाल के अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से जग में डाला ये। इसके बाद मैं इसमें एक गिलास पानी डाल दूंगी। अब मैं इसको चलाती हूँ। इसमें बेसन मैंने एक कप लिया है, दही एक प्याली, दो बड़ी प्याज हैं और पानी डाल के अब मैं इसको घुमा रही हूँ। अब मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी और इसमें मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तेल गरम हो रहा है हमारा। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन पिसा हुआ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। लहसुन गरम हो चुका है, लहसुन अदरक अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें पिसी हुई मिर्च, तकरीबन 1.5 बड़ा चमचा, हल्दी 1 बड़ा चमचा, नमक 1 बड़ा चमचा। और इसी के अंदर मैं थोड़ा फूड कलर डाल दूंगी। आधी चाय की चमची है ये। डाल के थोड़ा सा पानी डाल दें। थोड़ा सा इसको पका लें। देखिए
देखिए कड़ी को तकरीबन 1 घंटा हो गया है पकते हुए। अब हम एक तरफ करते हैं पकौड़ों की तैयारी। चले जी अब हम बनाएंगे पकोड़े कढ़ी के लिए। बेसन लिया मैंने, उसमें मैंने डाली लाल पिसी हुई मिर्च। बेसन के लिहाज से पकोड़ों के जितने मुझे बनाने हैं तो आप लोग भी अपने हिसाब से ही डालिएगा। पिसी हुई मिर्च, नमक भी मैंने हिसाब से डाला, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा सोडा। ये है ज़ीरा और साबुत धनिया है, इसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कूट लिया है, वो डाला। कड़ी पत्ते हैं हाथ की मदद से, ये मैंने तोड़ के, मेरे पास सूखे हुए थे वो डाले। अब मैं इसको पानी से इसकी लिक्विड तैयार करती हूँ। ये अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख के फिर इसके पकोड़े तलते हैं। अब मैं इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते मिला दूंगी। देखिए कड़ी उतार के मैंने अब एक तरफ रख दी है। अब मैं करती हूँ पकौड़ियों की तैयारी। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, देखिए नाज़रीन अब मैं इसमें पकोड़े डालती हूँ।
पकौड़े डाल दिए। अब इस पे हम लगाएंगे भगार। जिसमें हमने पकोड़े तले थे उसी में हम प्याज को ब्राउन करेंगे। इसी में हम डालेंगे कड़ी पत्ता। साबुत गोल मिर्च और जीरा। एक तरफ भगार की तैयारी हो रही है और एक तरफ मैंने कड़ी को रख दिया था पकने के लिए थोड़ा पकौड़ों के साथ। ये देखिए अब मैं इसमें भगार लगा रही हूँ। कड़ी हो चुकी है हमारी बिल्कुल तैयार। ये देखिए को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक है। कढ़ी थी मैंने इसको डिश में नहीं निकाला, मैंने कहा मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊंगी। कढ़ी मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।